अस्सलाम वालेकुम प्यारे बच्चों, अब हम सबक नंबर 22 डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर इस सबक को समझेंगे। बहुत पुरानी बात है, जिस वक्त हमारे हिंदुस्तान में जात पात का रिवाज आम था, यानी ऊंचे तबके के लोग नीचे तबके के लोगों को, नीचे जमात के लोगों को कम समझते थे, उन्हें इंसाफ नहीं दिया जाता था, उनके साथ भेदभाव किया जाता था। ऐसे हालात में नीचे जमात के लोगों को बड़ी परेशानी होती थी। जैसे कि पानी, पानी जो एक पीने की बुनियादी चीज़ है, आम चीज़ है, ऐसी चीज़ के लिए भी नीचे जमात के लोगों को तरसाया जाता था। उस वक्त मौजूद तालाब, झीलें, कुएं इस्तेमाल करने की इन लोगों को इजाज़त नहीं थी, सिर्फ ऊंची जमात के लोग इन्हें इस्तेमाल करते थे। ऐसे वक्तों में इन लोगों के ऊपर जो परेशानियां थी, जो हालात थे, वो हम बयान नहीं कर सकते। इसके अलावा तालीम, हम सब जानते हैं कि तालीम एक ऐसी वाहिद चीज़ है, ऐसी अकेली चीज़ है जिसके ज़रिए से इंसान तरक्की तक पहुंचता है, अच्छे बुरी की पहचान करता है और कामयाब होता है। ये तालीम हासिल करने की उन लोगों को इजाज़त नहीं थी। ऊँचे जमात के लोग और आला दर्जे के लोग सिर्फ तालीम हासिल करते थे, और नीचे जमात के लोगों को ना तालीम हासिल करने की इजाज़त थी और ना आम चीज़ें, पानी वगैरह इस्तेमाल करने की इजाज़त थी। इतने जुल्म सहने के बाद आखिर वो समाज, वो तबका परेशान हो गया। उस समाज में से एक शख्स बड़ी हिम्मत के साथ, बड़ी ताकत के साथ, बड़ी कुव्वत के साथ आगे बढ़ा। उस शख्स का नाम था भीमराव सतपाल। वो शख्स बड़ा मेहनती, अपने समाज के बारे में बड़ी फिक्र करने वाला और अपने लोगों को, अपने मुल्कों के लोगों को जहाँ जुल्म होता है उनको निजात दिलाने वाला, उनको अच्छे रास्ते पर लाने की फिक्र करने वाला था। वो शख्स उन्हें जाकर उन लोगों को समझाया कि अब हम आगे बढ़ेंगे, इन हालात से निकलेंगे, इसके लिए हमें जद्दोजहद करना पड़ेगी, एक कदम आगे बढ़ाना पड़ेगा। भीमराव सतपाल तमाम लोगों को लेकर उस तालाब तक पहुँचे जिसका पानी उन्हें पीने की इजाज़त नहीं थी। भीमराव सतपाल समाज के लोगों को लेकर उस तालाब तक पहुँचे, उस तालाब के पानी को छुआ। पहली बार उस समाज के किसी शख्स ने तालाब के पानी को छूने की हिम्मत की। भीमराव सतपाल ने तालाब के पानी को छुआ, पानी को इस्तेमाल किया। बस उनका इस्तेमाल करना था, उनका आगे बढ़ना था। उनके पीछे आया हुआ तमाम मजमा, उनके पीछे आए हुए तमाम लोग आगे बढ़े और सब ने तालाब के पानी को इस्तेमाल किया। अब लोगों की हिम्मत बढ़ गई, वो समझ गए कि भीमराव सतपाल अकेला वो शख्स है जिसके अंदर हिम्मत है, सच को सच कहने की ताकत है और बुराइयों से निपटने की हिम्मत है। वो तमाम लोग भीमराव सतपाल के साथ में आ गए। भीमराव सतपाल ने देखा कि हमारे समाज में, हमारे माशरे में बहुत बुराइयाँ हैं, पढ़ने पर पाबंदी है, औरतों को बुरा समझा जाता है, उन्हें इज्जत नहीं मिलती। भीमराव सतपाल चाहते थे कि मैं तमाम बुराइयों को दूर करूं। भीमराव सतपाल मध्य प्रदेश में महू एक गांव है, वहां पर पैदा हुए। भीमराव सतपाल की पैदाइश मध्य प्रदेश के महू गांव में हुई। उनके वालिद रामजी सतपाल फौज में मुलाजिम थे, फौज में काम करते थे। मुलाजिमत के बाद, नौकरी ख़त्म होने के बाद उनके वालिद रामजी सतपाल अपने पूरे ख़ानदान को लेकर सतारा में आ गए, सतारा में रहने लगे। सतारा में भीमराव सतपाल का बचपन गुजरा।